आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। सोयाबीन की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल चुका है। एक हफ्ते के दौरान वायदा बाजार में सोयाबीन की कीमतों में लगभग 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। सोयाबीन की कीमतें वायदा में 6800 से गिरकर सीधे 6200 के स्तरों पर जाती दिखाई दी हैं। जिस तरह से सरकार ने सोया DOC का आयात नहीं करने का फैसला लिया है, सोयाबीन की कीमतों में कुछ तेजी भी बनी थी, जिससे मंडियों में सोयाबीन की आवकों में कुछ सुधार देखने को मिला था। मंडियों में एकदम से ज्यादा आवक के बढ़ने से भी इसकी कीमतों पर कुछ दबाव बनता दिखाई दिया है। वहीं कुछ किसानों ने सोयाबीन की बिकवाली भी की है। कुछ किसानों ने ओमिक्रॉन के डर से सोयाबीन को निचले स्तरों पर बेचा है, लेकिन अभी तक ओमिक्रॉन का ऐसा कोई मामला देखने को नहीं मिला है जिससे किसी की जान गई हो। इसी सेंटिमेंट के चलते बाजार आगे जारी रहने की उम्मीद है। जानकारों का कहना है कि किसान सोयाबीन में अभी कुछ जल्दबाजी ना करें, हालात को देखें, परखें, फिर अपना कोई निर्णय लें। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।